हेलो फ्रेंड्स, डॉटनेट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे डॉटनेट के इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज CLR। सो लेट्स डिस्कस कि CLR क्या है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो CLR जो है दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और ये एक एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट है। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट का मतलब ये बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। तो जैसे आपने जावा में, अगर जावा पढ़ी होगी तो जावा में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ JVM, द जावा वर्चुअल मशीन। तो CLR .NET में JVM की तरह ही काम करेगी। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होंगे, उन एप्लीकेशन कंपोनेंट से जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आउटपुट प्रोवाइड करेगा और फाइनली जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल टेल टू द इंटरव्यूअर दैट CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रनटाइम एंड इट इज एन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। सेकंड थिंग, इट वर्क्स एज अ लेयर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस रिटन इन .NET लैंग्वेजेस। तो आपकी एज यू कैन सी हियर डायग्राम में आप देखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ये है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और जो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं इन दोनों के बीच में ये एक लेयर की तरह काम कर रही है। जो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं वो कौन हो सकते हैं? C#, वो लैंग्वेज VB.NET, C++.NET या कोई भी दूसरी ऐसी लैंग्वेज जो .NET को सपोर्ट करती है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर है। कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देना MSIL फॉर्म में। तो वो जो MSIL आएगा, जो इंटरमीडिएट कोड आएगा, उस इंटरमीडिएट कोड को हैंडल कौन कर रहा है? CLR। तो CLR फाइनली क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ JIT, और उस कोड को जिस भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम में या प्लेटफॉर्म में या आर्किटेक्चर में चल रहा होगा, जिस हार्डवेयर में वो काम कर रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोड्स में वो कन्वर्ट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये एक लेयर का काम कर रहा है, यानी यहाँ से इनपुट ले रहा है और उसको प्रोसेस करने के बाद, अपने फॉर्म में हैंडल करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट CLR इज डूइंग, इट इज वर्किंग एज अ लेयर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन रिटन इन .NET लैंग्वेजेस। तो पहली चीज, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज एन एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट and it is working as a layer between application component and operating systems. Okay, तो main functions क्या है? Main function ये क्या काम करता है? CLR के जो काम है वो पहली चीज की ये जो managed code है उसको native code में काम करे, convert करेगा। Managed code वो code है जो उसको application component से मिल रहा है in form of intermediate code, जिसको हम MSIL बोलते हैं, उसको ये मैनेज कर रहा है और उसको फिर कन्वर्ट कर रहा है इनटू नेटिव कोड विद द हेल्प ऑफ JIT। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है उसके कंपाइलेशन से इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा एज पर द डिमांड ऑफ एप्लीकेशन एट रन टाइम। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया कि ये जो इसको एप्लीकेशन कंपोनेंट से डेटा मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड, जिसको हम MSIL बोल रहे हैं, उस MSIL को फिर करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज द टास्क ऑफ CLR। ओके, यानी इन शॉर्ट टर्म, सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड टू MSIL, MSIL विल बी कन्वर्टेड टू नेटिव कोड विद द हेल्प ऑफ CLR। तो CLR का काम MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का है, दैट इज द मेन फंक्शन। लेट्स सी, एक समरी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विजुअल C# का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए, तो ये हमारी सोर्स फाइल है, कुछ रिसोर्सेज रेफरेंसेज हैं, उनको C# कंपाइलर क्या करता है, मैनेज्ड असेंबली और MSIL डेटा में कन्वर्ट करता है। इस MSIL कोड को आपके CLR हैंडल करता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मैनेज्ड कोड, विद द हेल्प ऑफ JIT और दूसरी कुछ लाइब्रेरीज का यूज करके वो उस पर्टिकुलर MSIL को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक नेटिव कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द होल टास्क ऑफ CLR। तो CLR बेसिकली क्या हुआ? पहली चीज, ये एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है जो क्या काम करता है, एक लेयर का काम करता है, एक इंटरमीडिएट लेयर का काम करता है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। और इसका मेन काम क्या है कि जो MSIL कोड्स आ रहे हैं उन MSIL कोड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक नेटिव कोड में कन्वर्ट करना।
दिस इज व्हाट ऑल अबाउट CLR. CLR की कुछ सर्विसेज भी हैं, लाइक असेंबली रिसॉल्वर की तरह काम करता है, असेंबली लोडर की तरह काम करता है, टाइप चेकर है, कॉम मार्शल्ड है, डिबग मैनेजर, थ्रेड सपोर्ट, इंटरमीडिएट लैंग्वेज टू नेटिव कंपाइलर, एक्सेप्शन मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर. ये दूसरी सर्विसेज हैं जो CLR उस मेन फंक्शन के अलावा करता है. तो इनको लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. अगले पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. उसके लिए आप वीडियो देखते रहें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.